पाठ 9 साहब महत्वाकांक्षी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने पर विज्ञ जनों की गोष्ठी में ये विचार होने लगा कि कौरव 100 थे, साथ ही उनकी सेना भी बड़ी और समर्थ थी। ऐसा होने पर भी वे 5 पांडवों व उनकी छोटी सेना से किस प्रकार हार गए। उत्तर देते हुए संजय ने कहा कि कौरवों में प्रत्येक महत्वाकांक्षी था और उद्दंड भी। उनकी आपसी खींचतान में ही अधिकांश शक्ति नष्ट होती रही। इसके विपरीत पांडव छोटी संख्या में होते हुए भी परस्पर सहयोग और अनुशासन की कड़ी में बंधे रहे। उनकी एकजुटता ने उन्हें सफल बनाया। उस क्लब में देश की दुर्दशा पर भाषण देने के लिए हम 4 लोगों को बुलाया गया था। देश का वर्तमान दशा, मगर सारे वक्ता और श्रोता जानते थे कि वर्तमान दशा का मतलब हमेशा दुर्दशा होता है। हम पहुंचे तो 10 मिनट तक हाथ मिलाते रहे और ये होता रहा, ग्लैड टू मीट यू, द प्लेजर इज माइन, आपसे मिलकर प्रसन्न हुआ, खुशी की बात तो मेरे लिए है। देश की दुर्दशा सुनने के लिए लोग कितने बढ़िया कपड़े पहनकर आए थे। मेरा एक दोस्त भी क्लब का सदस्य था, उससे भी खास अदा से कहा, ग्लैड टू मीट यू, इट्स अ प्लेजर एंड अ प्रिविलेज। मैंने उसे अलग ले जाकर कहा, बाहर तो तू इस तरह मिलता नहीं है, यहाँ क्या हो गया? उसने जवाब दिया, रामलीला का रावण क्या बाहर भी सीता हरण करता है? उनमें से एक ने मेरा विशेष ध्यान खींचा। उसकी किस्मत में कहानी का पात्र होना लिखा था। उनमें सबसे अच्छे कपड़े उसी के थे। मुस्कान का अभ्यास उसने औरों से ज्यादा किया था। मुस्कुराहट के सच्ची होने का धोखा हो जाता था। वह अपनी अटकटी मूंछ के किनारे के एक बाल को पकड़कर खींचने की लगातार कोशिश कर रहा था। परेशान था जैसे वो बाल होंठ को छेदकर जबड़े में घुसा जा रहा हो। हम लोगों ने जमकर देश की दुर्दशा का वर्णन किया। जब जब दुर्दशा ज्यादा मार्मिक हो जाती, वे लोग ताली बजाते। उनका कार्यक्रम सफल हो रहा था। देश की दुर्दशा अगर जरा कम होती तो कार्यक्रम इतना सफल ना होता। मैंने सोचा, मेरे देश तो कितना विचित्र और महान है। कुछ लोगों के कार्यक्रमों की सफलता के लिए तू अपनी कितनी दुर्दशा करवा रहा है। वे सब खुश थे, मगर खुश होने का भी उनका अलग ढंग था। वे साधारण आदमी की तरह खुश नहीं थे। ज्यादा खुश हो जाना गवारोपन है और ऐसे मौके पर खुश ना होना अशिष्टता है। वे नाप कर खुशी जाहिर कर रहे थे। हमारे लिए खुशी की मुस्कान में 2 दांत दिखाना काफी था, 2.5 भी हो सकते हैं। मुख्यमंत्री आए तब 4 दांतों के लायक खुशी होगी। उनमें हर एक 2 या 2.5 दांत की मुस्कान लेकर हाथ मिलाता और कहता, इट वॉज वंडरफुल, मोस्ट इंटरेस्टिंग। वह आदमी बाल उखाड़ता हुआ बढ़ा और हम 4 से हाथ मिलाकर बोलता गया, मोस्ट इंटरेस्टिंग, शॉर्ट एंड स्वीट। उन्होंने आपस में भी एक दूसरे से कहा कि कार्यक्रम अच्छा रहा। जब भोज पर बैठे तो देश की ही बातें होती रहीं। वे लोग अत्यंत भावुक हो उठे थे, कहते, रियली द कंट्री इज गोइंग टू डाउज। दूसरा कहता, आई सी वी आर द मोस्ट फॉलन पीपल। तीसरा कहता, रियली द होल कंट्री इज स्टार्विंग। मुझे पहली बार मालूम हुआ कि तली मछली और सलाद के साथ देश की दुर्दशा इतनी स्वादिष्ट लगती है। विदा के वक्त उन्होंने फिर कहा, इट वॉज वंडरफुल, मोस्ट इंटरेस्टिंग। वह आदमी अभी भी बाल से उलझा था, शायद 20-25 सालों से उस बाल को खींचने की कोशिश कर रहा था। इतनी मेहनत से तो अकेला ही एक नहर खोद सकता था। उसने हम लोगों से कहा, मोस्ट इंटरेस्टिंग, शॉर्ट एंड स्वीट, आगे हम कभी वहाँ किसी शोक समारोह में भी जाएंगे, मार्मिक शोक भाषण देंगे, तब भी वे लोग कहेंगे मोस्ट इंटरेस्टिंग, शॉर्ट एंड स्वीट। लगभग महीने भर बाद वह आदमी मुझे फिर कॉफी हाउस में मिल गया। बाल खींचने में अभी तक सफल नहीं हुआ था, कोशिश बराबर जारी थी। वह बड़े उत्साह से मिला, कहने लगा, परसों रेडियो पर आपकी कविता सुनी, बहुत अच्छी थी,
मैंने कहा, वह कहानी थी। उसने कहा, कहानी थी तब तो और भी बढ़िया थी, शॉर्ट एंड स्वीट। यहाँ वहाँ की कुछ बातों के बाद जब उसका विषयों का स्टॉक खत्म होने लगा तो उसने कहा, और क्या हाल है? मैंने भी स्टॉक खत्म होने की घोषणा कर दी। सब ठीक है, आप सुनाइए। उसने कहा, क्या कहें साहब, देश की हालत इस वक्त बड़ी नाजुक है। देश के बारे में उसने मुझे मात दिया। मैं सब ठीक समझ रहा था मगर उसे देश की नाजुक हालत का एहसास था। मैं डरा भी, जो देश की हालत से बात शुरू करे वह भयानक चिपकू होता है। दुनिया की हालत वाला तो और भी खतरनाक होता है। 2 साल पहले वियतनाम की बात करता एक आदमी मुझे मिला था। अब वो सिवा अपने और किसी की बात नहीं करता। मैंने तय किया, एक तो इससे बचूंगा, दूसरे इसे गंभीर नहीं होने दूंगा, इसकी बातें मजाक में टालूंगा। वह न जाने क्यों एकाएक सामाजिक हो गया, अक्सर मिल जाता और वही बात कहता। इस वक्त देश की हालत बहुत नाजुक है, बहुत हो गया। तो मैंने नक्शा फैलाकर उसका देश ढूंढने की कोशिश की, कहीं नहीं मिला। मेरी भूगोल की पढ़ाई बेकार गई। आखिर इसका देश है कहाँ, किस देश की चिंता कर रहा है? घर और क्लब मिलाकर जिसकी दुनिया बनती है, उसका देश क्या बाथरूम है या बार है? अगर उसका वही देश है जो हम सबका है, तो इस देश पर नया संकट क्या आ गया? क्या बाजार में स्कॉच विस्की नहीं मिल रही, या क्या इसका रसोईया छुट्टी पर चला गया? वह पहले एक सरकारी प्रतिष्ठान का मैनेजर था। 2-3 साल पहले उसे कंपलसरी रिटायरमेंट मिल गया। बड़े भ्रष्टाचारी को बाइज्जत अलग कर देने की विधि को कंपलसरी रिटायरमेंट कहते हैं। चपरासी या बाबू का भ्रष्टाचार पकड़ा जाए तो वह डिसमिस होता है, जेल भी भेजा जा सकता है, क्योंकि वह सिर्फ 10-5 रुपए खाता है। मगर बड़ा अफसर जब 10-5 लाख दबा लेता है और सरकार इस पर ध्यान देने के लिए मजबूर हो जाती है, तब उससे हाथ जोड़कर कहती है, हुजूर आशा है आप अब तक काफी खा चुके हैं, अब अगर आप उचित समझे तो बाकी जिंदगी चैन से गुजारें। वह सरकार के प्रति करुणा से भरकर कंपलसरी रिटायरमेंट ले लेता है और बाइज्जत बाकी उम्र काटता है। जब चपरासी भी लाख रुपए खाने लगेगा तब वो भी बर्खास्त नहीं होगा, कंपलसरी रिटायरमेंट पर बैठेगा। यह आदमी बड़े ठाट से और बाइज्जत जिंदगी गुजार रहा था, बंगले कारे और बेहिसाब रुपया। शौक उसके कई थे मगर इधर उसे यह देश का नया शौक लग गया था। देश की लत भी बुरी होती है, एक बार लग जाए तो छूटती नहीं। मैंने सुना वो बहुत लोगों से मिलने लगा है और सबसे देश की नाजुक हालत की बात करता है। जो उसे जानते थे वे कहते थे, या तो उसका दिमाग खराब हो गया है या देश के सचमुच बुरे दिन आ गए हैं। एक सुबह वो मेरे घर आ गया, कार से उतरा तो पहचानने में देर लगी, वह बदल गया था। कोट पैंट टाई छूट गए थे, कुर्ता धोती जैकेट पहने हुए था। मैंने पूछा, ये क्या हुआ? उसने जरा झेपते हुए कहा, मैं अब बदल गया हूँ, बिल्कुल राष्ट्रीय हो गया हूँ। मैंने कहा, अपने सारे पत्ते खोल दीजिए, क्या है आपका इरादा? उसने कहा, देखिए देश की, मैंने कहा, देश को फिलहाल बिल्कुल छोड़ दीजिए, अपनी बात कहिए। उसने कहा, मैंने संसद का चुनाव लड़ने का निश्चय कर लिया है। अब मैं समझा कि पिछले 2-3 महीनों से देश की हालत नाजुक क्यों है। मैंने पूछा, आपने ऐसा क्यों तय कर लिया है? उसने कहा, देश परिवर्तन मांगता है, वह हमसे कुछ अपेक्षा करता है, हम भी तो भारत माता की संतान है। मेरे मुंह से फिर निकल गया, मुझे तो मालूम ही नहीं था। वो चौका, बोला, मजाक नहीं, मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं एकदम पब्लिक लाइफ में आना चाहता हूँ। मैंने कहा, मगर आप उल्टा कर रहे हैं, लोग पब्लिक लाइफ में पहले आते हैं, चुनाव बाद में लड़ते हैं, आप चुनाव पहले लड़ेंगे, पब्लिक लाइफ में बाद में आएंगे। उसके पास जवाब था, बोला, देश इस वक्त बड़ी जल्दी में है। मेरे लिए बड़ी समस्या थी, इसने ऐसा निर्णय कैसे ले लिया। बहुत सोचने पर मैंने कल्पना की कि ऐसा हुआ होगा। एक दोपहर को लंच टेबल पर इसकी पत्नी से बातें हो रही होंगी। पत्नी ने कहा होगा, अपने पास बंगले हैं, कारें हैं, गहने हैं, पैसा है, अब कोई और बढ़िया चीज लाओ।
इसने पूछा होगा क्या ले आऊं? पत्नी बोली होगी कोई ऐसी चीज जिससे इज्जत बढ़े, पैसा तो बहुत है। इसने सोचकर कहा होगा अच्छा इस बार लोकसभा घर में ले आऊंगा। पत्नी ने कहा होगा हाँ जरूर ले आओ, हम उसे फ्रिज में रख देंगे, मिसेस चोपड़ा का घमंड भी टूट जाएगा। मैं उससे कहूंगी चोपड़ा साहब से कहकर विधानसभा ही बुलवा लें, क्यों कितने में आ जाएगी लोकसभा। इसने कहा होगा लेना है तो दाम की क्या चिंता, पहले सस्ती आती थी अब कुछ कीमत बढ़ गई है। पत्नी ने कहा होगा जैसे भी मिले ले जरूर आऊं। इसके बाद ही इसे महसूस हुआ होगा कि देश की हालत बड़ी नाजुक है। मैंने उसे समझाया आपकी कोई सार्वजनिक सेवा नहीं है, बहुत लोग आपको नहीं जानते हैं, आप कैसे जितने की उम्मीद करते हैं। वह मुझसे ज्यादा समझा हुआ था, कहने लगा वह सब मैंने समझ लिया है, अपने देश का चुनाव तो एक नाटक है, हमारा गवारों का देश है, सच पूछा जाए तो हम प्रजातंत्र के लायक ही नहीं है, यहाँ वोट पाने के कई तरीके हैं, मैं सब जानता हूँ, सारा प्रबंध कर लिया है। आखिरी बात कहते कहते उसने एक आंख बंद करके इशारा किया। मैंने कहा फिर जीतने के लिए लगभग 2 लाख वोट चाहिए। वो बोला हाँ हाँ मैं बतलाता हूँ, देखिए 6 लाख का क्षेत्र है ये, इसमें से लगभग 4 लाख का मतदान होगा, इनमें से करीब 50,000 ऐसे होंगे जो घबराते हुए मतदान केंद्र में घुसेंगे और घबराकर कहीं सील लगा देंगे, वे हर दफ्तर को पुलिस थाना समझते हैं। Ours is a backward country। इनमें से लगभग 30,000 तो घबराकर अपने निशान पर सील लगा ही देंगे। 30,000 तो ये हुए, अब आगे चलिए। मैंने रोका आगे बिल्कुल मत चलिए, आपने प्रजातंत्र की नस पकड़ ली है, घबराते हुए मतदाता पर जो निर्भर है उसकी जीत पक्की है। वह खुश हुआ और ध्यान से उस बाल को खींचने की कोशिश करने लगा, बोला सारा प्रबंध तो कर लिया है, बस प्रचार का जिम्मा आप ले लीजिए। जिम्मा मैंने ले लिया पर कर नहीं सका। हुआ यह कि वह पर्चे में लिखवाना चाहता था जनता के जाने माने सेवक, मगर मेरे हाथ से लिखा गया जनता के जाने माने भ्रष्टाचारी। मैंने उसे बताया नहीं पर आगे प्रचार कार्य का खतरा मोल नहीं लिया। उसकी जमानत जब्त हो गई। मिला तो मैंने पूछा ये कैसे हो गया, उतना हिसाब तो पक्का था। उसने कहा जनता ने धोखा दे दिया। मैंने कहा यानी वो इस बार घबराई नहीं। उसने कहा हाँ ऐसा ही मालूम होता है, आपने उस दिन क्लब में ठीक ही कहा था, वी आर द मोस्ट फॉलन पीपल।